वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। MLC भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। संगठन द्वारा रोज ही विधान परिषद मेरठ गाजियाबाद क्षेत्र में सभाएं की जा रही हैं, जिसमें धर्मेंद्र भारद्वाज को भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेरठ हापुड़ सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जिस तरह से मोदी योगी की आंधी चल रही है, धर्मेंद्र भारद्वाज की जीत 100% सुनिश्चित है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल हापुड़ में धर्मेंद्र भारद्वाज के समर्थन में आहूत जनप्रतिनिधियों की सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा के बाद फर्स्ट बाइट संवाददाता शिवानी गौतम से सांसद ने यह बात कही। सर, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, आप इनके सहयोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जनप्रतिनिधियों का चुनाव है। जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर सारे आपने देखा उपस्थित हैं, स्थानीय निकाय के सारे, चाहे हमारे वो ग्राम प्रधान हैं, BDC हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे विधायक हैं, आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित था। नगर पालिका के चेयरमैन हैं, नगर पंचायत के सदस्य हैं, सब लोग उपस्थित थे। और ये इस बात की साक्षी देता है, यहाँ के कुल इस विधानसभा के 352 वोटों में से अधिकांश, 352 ही यदि मैं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, हमको मिलने वाले हैं। और मैंने ये उत्साह पूरे क्षेत्र में देखा है। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, मैं अब तक जो है 5 ब्लॉक्स की मीटिंग्स कर चुका हूँ मैं, तो ये सब जगह उत्साह है। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री धर्मेंद्र भारद्वाज जी को कुल 4550 जो वोट इस स्थानीय निकाय के क्षेत्र में है, उसमें से 3500-4000 के बीच में वोट मिलेंगे और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। और प्रदेश की सभी 34 विधानसभा क्षेत्र, 9 तो हम जीत चुके हैं, 36 में 9 जीत चुके, 27 रह गए हैं, 27 भी हम जीतेंगे। जैसा प्रेम, जैसा आशीर्वाद मोदी जी को, योगी जी को है, जिसका प्रमाण अभी विधानसभा में 2/3 बहुमत देकर के प्रदेश की जनता ने दिया है, वो हमको पुनः इन 36 की 36 सीटों पर विजयी बनाएगा। इस मौके पर MLC श्रीचंद शर्मा ने यह कहा। तो सर, आप जो यहाँ पे उपस्थित हैं, सारे लोग, हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिल रहा है BJP की पार्टी को, उसके बारे में क्या? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 जिले आते हैं। शिक्षक सीट से मैं MLC हूँ, इसमें बुलंदशहर से लेकर सहारनपुर तक 9 जिले हैं। और इनमें जो अपने MLC के चुनाव ये हो रहे हैं स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के, इसमें 3 सीट आती हैं, जिसमें से बुलंदशहर सीट पर हम निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। और ये 2 सीटों पर हमारा चुनाव चल रहा है, मेरठ और मुजफ्फरनगर। मेरठ में आप ये माहौल देख रही होंगी, यहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, यहाँ कोई चुनाव ही नहीं है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है। अपने प्रत्याशी श्रीमान धर्मेंद्र भारद्वाज जी प्रचंड बहुमत से ये सीट जीत रहे हैं। और यही नहीं, हमारे 36 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र में, जिनमें से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है ऑलरेडी नामांकन के बाद, और जो बची 27 सीट हैं उनमें भी प्रत्येक सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, क्लीन स्वीप होगा, विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, ये जो चुनाव है ये थोड़ा टेक्निकल चुनाव, इसमें क्या होता है भाई, हमारा विधायक का चुनाव होता है कि भाई कमल के फूल पर बैठा हुआ, लेकिन इसका चुनाव है, पिछली बार 2016 में क्या हुआ, जो सपा के प्रत्याशी थे उन्हें निर्विरोध उन्होंने जिता दिया, तो वो चुनाव भी आपने देख पाए होंगे। इसमें आपको नमूना पत्र मिलेगा, उस नमूने पत्र पर धर्मेंद्र भारद्वाज लिखा होगा, उसके साथ
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।